नमस्कार, मैं अजय कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपका अपना YouTube चैनल ड्रीम टैंकर्स पर। डियर, आज ही हमारे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की थर्ड क्लास है। हम वीडियो को शुरू करें इससे पहले एक अनुरोध है कि वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें यदि आप नए हैं, और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि वीडियो का हर नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो आज हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की थर्ड क्लास है जिसमें हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट एंड यूजेज की। तो आइए करते हैं शुरुआत। तो देखना, सबसे पहले आपने एक बात देखी हो तो कभी समझा हो, पहले भी कभी पढ़ा होगा, इतना तो आप जानते ही होंगे। नहीं भी जानते तो मैं आपको बता देता हूँ कि सर प्रीपोजिशन क्या होता है। किसकी बात कर रहा हूँ? प्रीपोजिशन के बारे में। अगर आपने प्रीपोजिशन पढ़ा है तो आज का ये कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का हमारा प्रीपोजिशन पर ही आधारित है। ठीक है, अब प्रीपोजिशन क्या होता है, क्या आपने पढ़े कि नहीं पढ़े, तो मैं आपको बताऊं कि सर ये जो बाई होता है, बाई प्रीपोजिशन होता है कि नहीं होता है? सर प्रीपोजिशन होता है। मैंने कहा आपको विद प्रीपोजिशन होता है कि नहीं होता? सर विद प्रीपोजिशन होता है। मैंने कहा अबो प्रीपोजिशन होता है कि नहीं होता? भाई अबो प्रीपोजिशन होता है। मैंने कहा अंडर प्रीपोजिशन नहीं होता है? क्यों होता है भाई, अंडर भी प्रीपोजिशन होता है। और देखो भाई अक्रॉस प्रीपोजिशन होता है, अरे होता है कि नहीं होता? वो अमंग प्रीपोजिशन होता है, होता कि नहीं होता? होता है भाई। ठीक है, बाई है, विद है, अबो है, अंडर है, एक्रॉस है, अमंग है। ठीक है, ये सारे के सारे क्या होते हैं भाई? प्रीपोजिशन होते हैं। और भी बहुत सारे होते हैं, टू भी प्रीपोजिशन होता है भाई। ठीक है सर, ऑफ भी प्रीपोजिशन होता है, बट भी प्रीपोजिशन होता है, वैसे लाइक भी प्रीपोजिशन होता है। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सारे आपके क्या होते हैं? प्रीपोजिशन होते हैं। और भी लिख सकते हैं वैसे, खैर अपन जैसे कि ऑन है, अपॉन है, इन है, इनटू है, ये सारे के सारे क्या हैं? प्रीपोजिशन होते हैं। समझे कि नहीं? अब मैं ये चीज़ें बताकर आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ तो समझो भाई, प्रीपोजिशन के बाद आपको ध्यान रखना है क्या वो? ठीक है, ये जो प्रीपोजिशन होता है, इन प्रीपोजिशन के बाद यदि हम प्रोनाउन लिखें या फिर कोई वर्ड लिखें, वो हमेशा ऑब्जेक्ट होता है। तो प्रीपोजिशन के बाद हमेशा क्या लिखा जाता है? ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है बताओ? ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। बोलो समझ में आई कि नहीं आई? क्या समझ रहे हो आप यहाँ पर? प्रीपोजिशन के बाद यदि आपको जो वर्ड लिखना है वो हमेशा किसका काम करेगा? ऑब्जेक्ट का। चाहे वो प्रोनाउन लिखो तो ऑब्जेक्टिव केस लिखना पड़ेगा, नाउन लिखोगे तो वो भी ऑब्जेक्ट का काम करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? और हम जब पढ़ रहे हैं किसके बारे में? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में। और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आपको पता है किस पर? सब्जेक्ट पर और वर्ब पर आधारित है। तो वर्ब का यूज सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करते हैं ना कि ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करते हैं? तो कुछ एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाऊं तो आप मुझे बताइएगा। अब ये तीन क्वेश्चन हैं आपके पास और ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के, और तीनों क्वेश्चंस की मैं आपसे बात करूं तो इस प्रीपोजिशन के आधार पर ही हमको इनका आंसर देना है। मैंने एक बात बताई अभी आपको कि प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है, और वर्ब का यूज ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करते हैं या सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग? आप कहोगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करते हैं। आप कहोगे सर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करते हैं तो बट मैंने अभी क्या लिखा है? देखो बट क्या काम करेगा सर? प्रीपोजिशन का भी काम कर सकता है, बट कंजक्शन का भी काम करता है। ठीक है, तो आप ध्यान से समझोगे तो यहाँ पर ये बट क्या है? ये जो बट है ये एक प्रीपोजिशन है। सर यहाँ पर कंजक्शन क्यों नहीं है? तो आपको कंजक्शन की कुछ डेफिनेशन पता हो तो ये होता है कि कंजक्शन, अगर कोई वर्ड है जो कंजक्शन है वो क्या करता है? दो सेंटेंसेज को कनेक्ट करता है। बट आप देखोगे कि इसमें दो सेंटेंसेज नहीं है, बट से पहले कोई सेंटेंस आना चाहिए था, बट एवरी वन है। और सेंटेंस क्या होता है? जिसका खुद का एक सब्जेक्ट होगा और एक वर्ब होगी। बट इसका मान लीजिए सब्जेक्ट तो, बट इसमें वर्ब नहीं है, बट से पहले तो सेंटेंस नहीं है, तो बट यहाँ पर कंजक्शन का काम नहीं करेगा। किसका काम करेगा? ये प्रीपोजिशन का काम करेगा। और अभी मैंने आपसे क्या कहा कि प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है। तो आप देखोगे कि यू जो है, यू क्या है भाई? यू क्या है? ऑब्जेक्ट है। यू क्या है? ऑब्जेक्ट है। अब मुझे बताओ यहां पर वर्ब यूज करेंगे वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करेंगे या फिर बताओ सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग? आप कहोगे सर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करते हैं, वर्ब का यूज तो हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग किया जाता है। अब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करते हैं तो सब्जेक्ट कौन है हमारा? एवरीवन। अब एवरीवन हो, नो वन हो, समवन, समबडी, ये सारे के सारे कैसी वर्ब लेते हैं? ये सारे के सारे सिंगुलर
वर्ब लेते हैं तो इनके बाद सिंगुलर वर्ब आती है, तो आप देखोगे इनमें सिंगुलर वर्ब कौन सी है, हैज। सर कौन सी है, हैज, हैज सिंगुलर वर्ब है, तो क्या आएगा बताओ, हैज आएगा यहाँ पर, क्लियर। अच्छा इसमें आओ तो इसमें भी आप ध्यान से समझो तो बट क्या काम कर रहा है, बट सर प्रीपोजिशन का काम कर रहा है, किसका काम कर रहा है बताओ, प्रीपोजिशन का काम कर रहा है। जब यहाँ पर ये प्रीपोजिशन का काम कर रहा है तो अभी तो सिखाया प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है, तो यहाँ पर देखो कि ये क्या है, ये तो क्या लिखा हुआ है, सी। सर सी क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्टिव केस होता है ना, तो यहाँ पर सबसे पहले तो ये सेंटेंस यहाँ पर गलत है, क्यों, क्योंकि बट प्रीपोजिशन है और बट के बाद हमेशा क्या लिखा जाता है बोलो, ऑब्जेक्ट लिखा जाता है, और ऑब्जेक्ट सी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हर होता है, तो सी की जगह क्या लिखो, हर लिखो। अब ध्यान से समझो तो आपको समझ में आएगी, वर्ब भरेंगे, सर वर्ब हमेशा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग थोड़ी भरते हैं, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग भरते हैं, और सब्जेक्ट कौन है हमारा, ऑल द स्टूडेंट्स। आप देखोगे कि ऑल द स्टूडेंट्स है, तो ऑल द स्टूडेंट्स तो प्लुरल है, और प्लुरल जब सब्जेक्ट है तो वर्ब भी कैसे यूज करनी होगी, प्लुरल, और इनमें प्लुरल कौन सी है, वर, तो यहाँ पर क्या भर देंगे भाई, यहाँ पर वर भर देंगे, बोलो इतनी बात क्लियर है। चलिए आगे देखना, ये वाला जो सेंटेंस है यहाँ पर देखो लाइक, अब मुझे एक बार बताओ लाइक जो है यहाँ पर, लाइक जो है ये वर्ब भी होती है वैसे तो, और ये क्या है यहाँ पर, क्या है, प्रीपोजिशन भी है, तो यहाँ पर ये जो लाइक है ये किसका काम कर रहा है, प्रीपोजिशन का काम कर रहा है, बोलो किसका काम कर रहा है, प्रीपोजिशन। सर वर्ब का काम कर रहा है कि, बिल्कुल नहीं, वर्ब थोड़ी है, वर्ब नहीं है यहाँ पर, यहाँ पर किसका काम करेगा, प्रीपोजिशन का काम करेगा, और ये जो प्रीपोजिशन का काम कर रहा है तो आपने देखा प्रीपोजिशन के बाद तो क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है, सर योर पेरेंट्स क्या है बोलो, ऑब्जेक्ट है, क्या है, ऑब्जेक्ट, तो आप वर्ब का यूज क्या करोगे, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करते हो या सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करते हैं, सब्जेक्ट कौन है इसका, आप कहोगे सब्जेक्ट कौन है, योर अंकल। अब योर अंकल की जब बात करें तो योर अंकल कैसा है, सिंगुलर है प्लुरल है, आप कहोगे सर सिंगुलर है, और जब सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसी चाहिए हमें, सिंगुलर चाहिए, बोलो कैसी चाहिए, सिंगुलर चाहिए, तो हमें इसमें सिंगुलर कौन सी है बोलो, हैज, तो राइट आंसर क्या होगा इसका, हैज होगा। अब काफी सारे बच्चों को यदि ये कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो उसे वो गलत करके आएंगे गारंटेड, क्यों, यहां पर देखो यू को देखकर, यू प्लुरल सब्जेक्ट है, प्लुरली वर्ब भर के आओगे, ठीक है, यहां पर देखो, यहां पर आपने देखा पेरेंट्स प्लुरल सब्जेक्ट है, मतलब कि प्लुरल है, तो प्लुरल के अकॉर्डिंग क्या है, यहां पर है भर के आएंगे, बट यहां पर ये गलत है, तो ये कॉन्सेप्ट एंड यूजेज आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के पता होना चाहिए, क्लियर है यहां तक, तो नेक्स्ट पढ़े। अब ध्यान से समझोगे एक बात, अब इन्हीं के अकॉर्डिंग में और बताता हूं, क्या देखो, अब मान लीजिए बट ही एक ऐसा क्या है, क्या जिसके बाद हम वर्ब का यूज करते हैं, बट से पहले वाले के अकॉर्डिंग, बट से पहले वाला, लाइक से पहले वाला, यही कुछ ऐसे हैं क्या, देखो समझो, हमारे पास कुछ प्रपोजिशनल जो प्रीपोजिशनल फ्रेज हैं जिनका यूज यदि दो सब्जेक्ट्स को दो जोड़ने में किया जाता है, जिनका यूज दो सब्जेक्ट्स को जोड़ने में किया जाता है, तो आप वर्ब का यूज पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करते हैं, ठीक है। सर वो कौन कौन से हैं, देखो देखेंगे, रन बाय, क्या लिखेंगे बताओ, रन बाय, क्या समझ पा रहे हो आप यहाँ से, कि इस तरीके के ये आ जाते हैं, और देख लो एंड नॉट, क्या लिखेंगे बताओ, एंड नॉट, समझो भाई। अब मैंने ये ध्यान से समझो कि ये मैंने कुछ प्रीपोजिशनल फ्रेज लिखे हैं, इन प्रीपोजिशनल फ्रेज के द्वारा यदि दो सब्जेक्ट्स को जोड़ दिया जाए, तो याद रखना हम क्या करते हैं, वर्ब का यूज इनसे पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करते हैं। अब देखो तो मैं कुछ एग्जांपल लिखूं तो मैं आप समझोगे यहां पर कि किस तरीके से, देखना, गोइंग टू अजमेर, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, इनका यूज करते हुए ये जो मैंने क्वेश्चंस लिखे हैं ये क्या है, सही है गलत है, किस तरीके से इनका एग्जांपल जो मैंने लिखे हैं इनका आंसर देना है। अब देखो मैंने क्या कहा, एज वेल एज, क्या आ रहा है बताओ, एज वेल एज, आप देखो तो देखो क्या आ रहा है, एज वेल एज, एज वेल एज एक प्रीपोजिशनल फ्रेज है। अब प्रीपोजिशन के बाद ये जो है ये क्या है बताओ, ये ऑब्जेक्ट है, क्या है, ऑब्जेक्ट। सर ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग थोड़ी ना हम वर्ब का यूज करते हैं, हम वर्ब का यूज करते हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अब इसमें सब्जेक्ट कौन है फिर, सर आई है, तो आई के अकॉर्डिंग हमें क्या लिखना पड़ेगा, आई के लिए क्या लिखते हैं, एम, तो यहाँ पर क्या सही होगा बोलो, एम सही होगा। अब देखो यहाँ पर मिस्टर वर्मा जो लिखा हुआ है, अलोंग विद, देखो लिखा है कहीं पे अलोंग विद है क्या, हाँ ये रहा देखो ना, ये जो अलोंग विद है, इस अलोंग विद के द्वारा हम दो सब्जेक्ट्स को जोड़े जाते हैं, तो वर्ब का यूज हम पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करते हैं, तो इसमें पहला वाला सब्जेक्ट कौन है बोलो, पहला वाला सब्जेक्ट कौन है, ये रहा। अब देखो अलोंग विद के द्वारा हिज थ्री चिल्ड्रंस अकॉर्डिंग टू, अगर जिसने ये कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा है तो इसको 100% गारंटी गलत करके आएगा, क्यों,
क्योंकि आप देखोगे वो यहाँ पर वर्ब का यूज किसके अकॉर्डिंग करेगा, थ्री चिल्ड्रन के अकॉर्डिंग। समझेगा चिल्ड्रन क्या है, प्लुरल है, बट इसके अकॉर्डिंग थोड़ी, क्योंकि चिल्ड्रन तो क्या है, अलोंग विद का क्या है, ऑब्जेक्ट है, और वर्ब का यूज ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नहीं करते, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करते। सब्जेक्ट कौन है इसमें, मिस्टर वर्मा क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर है तो यहाँ पर क्या आएगा बोलो, हैज आएगा। तो राइट आंसर क्या होगा आपके लिए, हैज होगा। क्लियर। अब देखो द प्रिंसिपल विद हिज वाइफ एंड फॉर चिल्ड्रन, यहाँ पर भी सेम कॉन्सेप्ट है कि इसके बाद आप जो वर्ब का यूज करोगे, विद क्या है, प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद जो भी चीज आती है वो प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट होते हैं, ना कि सब्जेक्ट। तो वर्ब का यूज सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करते हैं, सब्जेक्ट कौन है बोलो, सब्जेक्ट कौन है, प्रिंसिपल, ठीक है, प्रिंसिपल, सॉरी सब्जेक्ट कौन है, प्रिंसिपल। अब यहाँ पर ये प्रिंसिपल है, और प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हम क्या यूज करेंगे, वाज यूज करेंगे, क्योंकि प्रिंसिपल क्या है, सिंगुलर है, तो यहाँ पर क्या आएगा बताओ, वाज आएगा, क्या आएगा, वाज। बोलो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अगर आप नोट्स बना रहे हो तो अपनी नोटबुक में लिखोगे, यदि दो सब्जेक्ट्स को निम्नलिखित प्रीपोजिशनल फ्रेज से जोड़ा जाए तो वर्ब का यूज हम पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करते हैं, न कि बाद वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो आपको देखा होगा आपने, यहाँ पर हमने सबसे पहले वाले सब्जेक्ट, यहाँ पर भी क्या है, पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब यूज करी, यहाँ पर भी क्या है, पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब यूज करी, यहाँ पर देखो पहले वाला सब्जेक्ट, देखो आई के अकॉर्डिंग एम आया, इसी प्रकार से देखो यहाँ पर क्या आया, यहाँ पर क्या आया, मिस्टर वर्मा के अकॉर्डिंग ही हैज आया, और सेम यहाँ पर द प्रिंसिपल की वजह से वाज आया। बोलो समझ में आई कि नहीं, ये बात ये क्लियर है कि नहीं क्लियर है, ये चीज़ आपको क्लियर है तो हम नेक्स्ट बढ़ जाएं। देखो क्लियर, तो ये चीज़ें कम से कम आपको क्लियर हो गई होंगी, ठीक है, इनका ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करेंगे किसके बारे में, ईच और एवरी के बारे में, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट बहुत पूछा जाता है, बहुत ज़बरदस्त, कौन सा, ईच और एवरी के बारे में, ईच और एवरी, ध्यान से समझना। इन दोनों के बाद ही हम जो नाउन यूज करते हैं वो नाउन हमेशा कैसी होनी चाहिए, इनके बाद नाउन हमेशा होनी चाहिए बोलो कैसी, सिंगुलर। पहला कॉन्सेप्ट यहाँ पर, नाउन कैसी होनी चाहिए, हमेशा इनके बाद कैसी नाउन होनी चाहिए, सिंगुलर नाउन होनी चाहिए। जब नाउन इनके बाद सिंगुलर होनी चाहिए तो इनके बाद वर्ब का यूज भी कैसे करना पड़ेगा बोलो, सिंगुलर रूप में, क्या, सिंगुलर रूप में। ये बात क्लियर है क्या, यदि ईच और एवरी के बाद आप नाउन यूज करोगे तो नाउन कैसी होगी, सिंगुलर, और वर्ब भी कैसी होगी बोलो, सिंगुलर, ठीक है। तो देखो मैं एक एग्जांपल लिखूं तो आप समझो, यहाँ पर मैंने लिखा ईच बॉय, अब ईच बॉय, अब यहाँ पर क्या लिखोगे आप, ईच और एम में से क्या लिखोगे बताओ, आप लिखोगे एज, क्योंकि ईच के ईच बॉय। अच्छा मैं अब एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ और इसके में आपको एरर बतानी है, क्या, अब आप मुझे इसमें एरर बताइए, एरर यहाँ पर ए पार्ट में है, या एरर आपके यहाँ पर बी पार्ट में है, या फिर सी पार्ट में है, ठीक है। तो और या फिर आप कह सकते हो नो एरर के, एरर ही नहीं है, डी, बोलो किस पार्ट में गलती है, आप कहोगे सर देखो ईच बॉय, ईच के बाद नाउन सिंगुलर, यही तो पढ़ा, ईच के बाद नाउन सिंगुलर, उसी प्रकार एवरी के बाद नाउन प्लुरल, गड़बड़ हो गई, यहाँ पर गलत है, क्या है, एवरी के बाद भी वर्ब कैसी, क्या नाम है, यहाँ पर क्या आना चाहिए, सिंगुलर आनी चाहिए। अब ईच बॉय एंड एवरी गर्ल, तो यहाँ पर वर्ब भी कैसी चाहिए, सिंगुलर चाहिए। अब एंड के द्वारा आप कितना भी जोड़ दो आपको सिंगुलर ही वर्ब चाहिए। देखो एक एग्जांपल और लिख रहा हूँ, जैसे मुझे बताओ ये सेंटेंस सही है या गलत है, तो आप कहोगे सर ये सेंटेंस देखो ईच के बाद नाउन सिंगुलर, नाउन सिंगुलर, बट यहाँ पर देखोगे तो ये प्लुरल है, तो ईच के बाद नाउन हमेशा कैसी आती है, सिंगुलर आती है, और वर्ब हमेशा भी सिंगुलर आती है, तो ये गलत है, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, चाइल्ड आना चाहिए, क्योंकि चाइल्ड का प्लुरल क्या बनता है, चिल्ड्रन बनता है, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन और लिखूंगा और इसको आप बताओगे, फिर अपन नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर चर्चा करेंगे। मैं लिखा एवरी दिस स्कूल। अब मुझे बताओ ये जो मैंने एग्जांपल लिखा है सही है या गलत है, इसमें एरर कहां पर है, आप कहोगे सर एरर देखो बिल्कुल साफ है, क्यों, ईच और एवरी के बाद नाउन कैसी आती है, सिंगुलर, देखो एवरी के बाद नाउन कैसी है, प्लुरल, तो यहाँ गलत है ना, और वर्ब कैसी आती है, सिंगुलर, तो वर्ब तो सिंगुलर ही है, ये सही है, बट यहाँ पर देखोगे टीचर्स आ रहा है, टीचर्स क्या है, गलत है, क्योंकि एवरी के बाद नाउन कैसी चाहिएगी, सिंगुलर, तो टीचर आना चाहिए ना कि टीचर्स, ठीक है, तो क्या आना चाहिए यहाँ पर, सॉरी क्या आना चाहिए, टीचर्स मतलब सिंगुलर आना चाहिए, टीचर आना चाहिए ना कि
टीचर्स, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे इसके नेक्स्ट कॉन्सेप्ट एंड यूजेज। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।